हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम दी स्टडी पर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यार मैं आप लोगों को दे दूं कि इरमा बेसिकली जो आनंद गुजरात के अंदर है, जो रूरल मैनेजमेंट के लिए फेमस है, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। सो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज इस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। इवन हम आपके 1-to-1 डाउट्स भी इंस्टाग्राम के ऊपर लेते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स हमारा फेसबुक पेज भी है जिसके साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो एंड विद इन 3-to-4 days ये आपके घर पे कोरियर के थ्रू डिलीवर करवा दी जाएगी। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इरमा के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर आपको रूरल मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको रूरल मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना है। अगर आपका प्लान जनरल मैनेजमेंट का है या MBA इन फाइनेंस का है या मार्केटिंग का है या HR का है तो भाई ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। ये कॉलेज उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिकली रूरल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जाना है। ये कॉलेज फ्रेंड्स बेसिकली सेटअप हुआ था बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कहा जाता है जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर लेके आए हैं, ठीक है, जो अमूल के एक तरीके से उन्होंने अमूल को एक रेवोल्यूशन बना दिया था, ठीक है, जो उनके उन्होंने ये कॉलेज स्टार्ट किया था। तो रूरल मैनेजमेंट के अंदर करवाता है बेसिकली MBA। एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, मिनिमम आपकी 3 years की ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो SC ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एग्जाम होता है कैट और जैट तो देना ही देना है, इरमा सेट भी बेसिकली देना पड़ता है, ठीक है, ये इनका खुद का एग्जाम होता है, जैसे माई कैट होता है माइका का, जैसे कैट तो आपको देना ही पड़ता है, उसके बाद आपको माई कैट भी देना पड़ता है कैट जैट के अलावा, उसी तरह इनका इरमा सेट एग्जाम होता है। उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब फ्रेंड्स दो मोड्स ऑफ एडमिशन है और इन्होंने अपनी कट ऑफ एक तरीके से मिनिमम कट ऑफ इन्होंने अपने एडमिशन ब्रोशर के अंदर ही बता दिया दो तरीके से। पहला तो है मेरिट बेस्ड कॉल। मेरिट बेस्ड कॉल क्या है कि भैया आप कैट और जैट के अंदर 85% ले आओ तो आपको ये इरमा सैट ग्रुप एक्टिविटी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा है प्रोफाइल बेस्ड कॉल। प्रोफाइल बेस्ड कॉल के लिए भी आपको मिनिमम 80% कैट या जैट के अंदर लानी पड़ेगी और जो प्रोफाइल होगी वो बेसिकली इन तीन पैटर्न के ऊपर ये डिसाइड करेंगे। सबसे पहला एक्सीलेंस कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से होने चाहिए हो। दूसरा वर्क एक्सपीरियंस आपका सोशल इंपैक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लाइवलीहुड पॉलिसी, एडवोकेसी, एग्रीकल्चर और इन सेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। तीसरी जो ग्रेजुएशन है वो सोशल साइंसेज, डेवलपमेंट स्टडीज, एग्रीकल्चर और एलाइड साइंसेज इसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स के अंदर आते हो तो आप बेसिकली प्रोफाइल बेस्ड कॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एडमिशन प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट एंड जैट स्कोर, जो मैंने बताया था 85% मेरिट बेस्ड के लिए और 80% प्रोफाइल बेस्ड के लिए। उसके बाद उनको इरमा सेट के लिए बुलाया जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेवल है ग्रुप एक्टिविटी एंड पर्सनल इंटरव्यू का, और जिसके बेसिस पे फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स एक मैं आपको रफ वेटेज बता देता हूँ कि कैसे वेटेज इसकी जनरली रहती है। दिस कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज एज वेल, लेकिन जो मोटा मोटी रहती है वो ये रहती है कि इरमा सेट को 10% वेटेज देते हैं, कैट जेट जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसको 40% वेटेज देते हैं, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी एंड पर्सनल इंटरव्यू को दोनों को ये 25% वेटेज देते हैं। रफ एस्टिमेट है, दिस कैन बी चेंज ऑल्सो बाय द इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिशन, एट इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिशन। कट ऑफ एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, जो मेरिट बेस्ड है उसके लिए 85% कैट या जैट के अंदर और प्रोफाइल बेस्ड के लिए 80%। और जो इसका फी स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर अराउंड 12-13 lakh रुपीज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट ये बेसिकली कॉलेज करवाता है। फ्रेंड्स टाइमलाइन के बारे में बात करूं और फॉर्म्स के बारे में बात करूं तो फॉर्म्स निकल चुके हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 10 January 2020, यानी कि अभी इनफैक्ट आप कैट के बाद और जैट के आसपास इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 1500 rupees है जनरल कैंडिडेट्स के लिए और SC ST और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए 750 rupees है। कैसे फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई करना है, ये बेसिकली लिंक है admission.irma.ac.in, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। यहां जाके आपको रजिस्टर करना है, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये सारी डिटेल्स जाके आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, उसमें सारी डिटेल्स डालना है, बिल्कुल भी कोई गलती मत कर देना यार, ठीक है, बिकॉज एक बार भी अगर कोई मिस्टेक हो गई
तो उसको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो प्लीज कोई भी गलती मत करना, तीन तीन बार वेरीफाई कर लेना डिटेल्स डालने से पहले। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि वर्क एक्सपीरियंस बच्चों का कैसे था जो जिन्होंने ये कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैमथ बच्चे वो थे जो 53% थे, यानी कि मेजोरिटी बच्चे वो थे फ्रेशर जिनका 0 months का वर्क एक्स था। उसके बाद 8% बच्चे थे जिनका 6 to 1 years का था, 16% बच्चे थे जिनका 1 to 2 years का था, और 12% बच्चे थे 2 to 3 years का। तो अगर फ्रेंड्स आपका नील वर्क एक्स है तो ये कॉलेज के अंदर चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं, बिकॉज 53% बच्चे वर्क एक्स जो बिल्कुल वर्क एक्स नहीं था वो उन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन इनफैक्ट अगर आपका 1 से 2 years या 3 years तक का भी है तब भी आपके काफी ब्राइट चांसेस है, बिकॉज 16 or 12, 28% बच्चे वो थे जिनका 1 से लेके 3 साल तक का वर्क एक्स था। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं कि हम 12 से 13 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं, अपने 2 साल भी लगा रहे हैं, तो जो फ्रेंड्स एवरेज सैलरी है, 2 तरीके की प्लेसमेंट होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होती है और एक डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर होती है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर थी दैट वाज समवेयर ऑन 14.23 लाख रुपीज, और ये काफी अच्छा इसके अंदर इंक्रीमेंट आया है व्हेन यू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी है, और डेवलपमेंट के अंदर भी सैलरी इनकी बड़ी है, 10.42 लाख रुपीज पर एनम हो गई है। जो मीडियम सैलरी है दैट इज ऑल्सो समवेयर ऑन 11.5 लाख रुपीज, और जो हाइएस्ट सैलरी थी दैट वॉज समवेयर ऑन 50.31 लाख रुपीज। अगर फ्रेंड्स मैं बेसिकली बात करूं तो टोटल इस कॉलेज के अंदर जो बच्चे थे दैट वाज समवेयर अराउंड 177, और 407 ऑफर्स हुए, 119 ऑर्गेनाइजेशंस आई, और जो मैक्सिमम जिसने रिक्रूट किया है वो BFSI सेक्टर ने बेसिकली रिक्रूट किया है। उसके बाद एग्रीकल्चर बिजनेस ने बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है यहाँ पे, NGOs ने जो डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बच्चे जाते हैं, FMCG रिटेल के अंदर, और बाकी कलेक्टिव्स एंड कोऑपरेटिव्स के अंदर, टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंट्स एंड रूरल मैनेजमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी 9% बच्चों की सिलेक्शन हुई है। लेकिन मैक्सिमम जो सिलेक्शन हुई है वो एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर और BFSI सेक्टर के अंदर हुई है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IRMA के बारे में। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो डिटेल्स मैंने दे दी है, आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हो। प्लीज हमारे साथ यार आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या कोई और आपको डिटेल या कुछ भी आपको खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।